this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वन अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल फिल्म स्ट उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग टेज अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में अपने लिए वॉलीटाइल स्टॉक्स पाने में एट दी एंड में मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जो स्टॉक्स होने वाले हैं उनकी मैं बात करूँगा तो सबसे सब पहले हम शुरू करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियसली स्टॉक्स दिए थे सबसे सब पहले की इस्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक हमने आपको दिया था वो था सिम्फोनी इसमें हमारा जो था शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइजिले अच्छी वे थे तीसरे टारगेट प्राइस से कुछ पाँच या चार पॉइंट ऊपर ही इसने जो है अपना लो बनाया था तो तीसरा टारगेट प्राइस तो अचीव नहीं हो पाया बट दो टारगेट प्राइस में इजीली अचीव हो गए थे

तो मेट्रीमोनी में आपके तीनों टारगेट प्राइस प्लस कुछ एडिशनल पॉइंट देके चले गया टाटा मेटे की मैं बात करूं तो इसमें हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे बाई साइड का एक टारगेट प्राइस यहाँ अचीव हो गया होगा जो रूल मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है वो यहाँ पे भी आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा और शॉर्ट सेलिंग साइड तो हमारे तीनों टारगेट प्राइस के बाद भी कुछ एडिशनल पॉइंट से देख चले गया था तो हम बात कर लेते फोर हंड्रेड टू सेवन की रेंज में जो स्टॉक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं सर डी सी एम स्ट्रीग्राम में हमारा जो था बाय साइड के दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके अचीव हो गए थे इजिली आपको कोई भी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइज यहाँ जाकर इसमें अचीव हो गए थे तो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के इसमें ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट्स आपको मिल गए थे आप चेक कर सकते हैं लेवल डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा कॉन्टैक्ट कर लीजिए लेवल्स में आपको बता दूँगा बाकी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि क्या लेवल्स है और उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया जो प्रॉफिट हमने अर्न किया मैंने स्क्रीन शॉट भी डाला टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगला स्टॉक था हमारा ए टीजीएल हमने आपको दिया था इसमें भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ ये ओपन ही हमारे जो था बाइंग प्राइस पे हुआ था बट उसके नीचे इसने होल्ड लिया एक मिनट का देखिए मैं हमेशा एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे पहले जब स्टॉक जो मार्केट शुरू होता है तो एक मिनट आपको छोड़ना है पहले का एक मिनट यानी कि नौ बज के सोलह मिनट से आपको जो है ट्रेड शुरू करनी है या सोलह या सत्रह जो आपको सूटेबल लगे सत्रह में ऐसा हो सकता है कि आपके कई सारे जो हैं स्टॉक्स जो हैं मिस हो जाए आप चले जाए क्योंकि वॉलीटिलिटी ज्यादा होता है बट सोलह में आपको अच्छा रहेगा फर्स्ट में स्टॉक क्या है कभी नीचे कभी ऊपर जाता है फिर उसके बाद ट्रेंड अपना पकड़ना शुरू करता है तो एक मिनट छोड़ के ट्रेडिंग करेंगे तो एक मिनट छोड़ के आपने ट्रेडिंग करी होगी इसमें मैं हमेशा से बोलता ही हूँ न्यू ईयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ तो यहाँ से इसने आपको लगभग तीनों टारगेट प्राइस यहाँ जाके अचीव कर लिए थे बाई साइड के और शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो गया था दूसरा भी होने ही वाला था बट दो पॉइंट से रह गया तो इसमें भी आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी पॉइंट्स मिल गए थे अगले स्टॉक कॉन्कर में बात करूँ तो इसमें हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस प्लस कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको देखिए ये स्टॉक चले गया था लगभग लगभग ट्वेंटी पॉइंट्स इसमें भी आपने अर्न कर लिए होंगे कॉस्म फिल्म की मैं बात करूँ तो इसमें भी हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव कर लिए थे अब देखिए अगर आपने ज़्यादा होल्ड किया होगा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिला होगा बट मैं मान सकता हूँ मैं ये कह सकता हूँ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तीनों टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद जब ये स्टॉक ने यहाँ पर होल्ड लिया फिर ये हल्का सा ऊपर बढ़ा तो ऐसे में कोई भी ट्रेडर होगा वो अपने प्रॉफिट को जाने नहीं देगा और ट्रेड से बाहर आ जाएगा तो इस वाले ये जो पॉइंट्स थे ये नहीं आ पाए होंगे फिर भी किसी ने होल्ड किया होगा तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा बट हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे तो चलिए हम कल की बात करेंगे सबसे पहले तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स में तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा मॉर्निंग में दो स्टॉक्स में वहाँ प्रोवाइड करता हूँ जो दो स्टॉक्स में यूट्यूब पर प्रोवाइड करता हूँ उसकी मैं बात कर लेता हूँ चलिए हम शुरू करते हैं एट्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की कॉल से सबसे पहले जो स्टॉक हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है आरती इंडस्ट्रीज जिसे आप बाय करके चलेंगे ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी एट पॉइंट फाइव जीरो पे ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी एट पॉइंट लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप इसको बाय करके चलोगे उससे पहले आपको इस पर बाइनिंग करना है रीजन बिंग की कभी कभार इस लेवल पर आके स्टॉक जो है नीचे आ जाता है टारगेट रहेगा ट्वेल हंड्रेड सेवेंटी थ्री ट्वेल्ल हंड्रेड एटी और ट्वेल्व हंड्रेड नाइनटी का स्टॉपपलस रहेगा आपका ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी एट का और ध्यान रखेंगे जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट वाइज अचीव होते ही कि आपको जो है अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट वाइज पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आपको नहीं

हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा फोर तो हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में स्टॉक्स पाने के लिए मॉर्निंग में मैं ये कॉल प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप पे तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जो भी इसकी डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी क्या रिजल्ट था प्रीवियसली क्या रिजल्ट रहा हमारा हमारा डेली ऐसे रिजल्ट रहता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव पर आप डेली अर्न कर सकते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में आप मान लीजिए कि थाउजेंड से लेकर फोर थाउजेंड के बीच में आप डेली अर्न कर सकते हैं एक ट्रेड से खाली एक ट्रेड से आप थाउजेंड तक अन कर सकते हैं बाकी मिनिमम दो ट्रेड तो आप दिन की करते ही हैं तो आप लगा लीजिए टू थाउजेंड आप अर्न कर सकते हैं नॉर्मल अपनी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं प्रोवाइड करता हूँ अगला स्टॉक है हमारा बी आप टी सब इसे बाइक करें ट्वेल हंड्रेड्रेड्रेड्र नाइन का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा टेवल्ल हंड्रेड फिफ्टीन ट्वेल्व हंड्रेड्रेड्रेड्रेटी फाइव और ट्वेल हंड्रेड थर्टी फाइव का स्टॉप रखेगा एलेवन हंड्रेड नाइन्टी सेवन यानी किसका भी लेवल ब्रेकआउट होगा जो रूल्स मैंने पहले समझाया आपको आरती इंडस्ट्रीज में वही यहाँ भी फॉलो होंगे और वही टेलीग्राम चैनल पर जो जो मैं स्टॉक्स दूंगा वहाँ भी फॉलो होंगे और जो मैं व्हाट्सएप पे दूंगा उसमें भी यही फॉलो होंगे मतलब शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा 1195 पे टारगेट रहेगा 1190, 1180 और 1170 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1207 का 1207 का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है वैसे मंडे को ज़्यादातर स्टॉक्स गैप शो करते हैं तो गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है वेट करना है इलेवन एम तक उस गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर वो एक मिनट का होल्ड लेगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में यानी कि बारह से लेकर ग्यारह पिचानबे के बीच में कहीं पे भी हो सकता है ये ट्वेल्व हंड्रेड एट पर अपना होल्ड ले लें एक मिनट का या फिर एलेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स पर ही होल्ड ले लें एक मिनट का गैप डाउन ओपन होने के बाद तो भी वो तो भी वो चलेगा लेकिन जो है होल्ड लेना चाहिए इन दोनों प्राइस के बीच में उसके बाद जो लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा एक मिनट बाद तो आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं सबसे पहले नौ सोलह से आप ट्रेड शुरू करेंगे नौ पंद्रह पे एक्जैक्ट ट्रेड शुरू नहीं करने चाहे स्टॉक छूट रहा हो या ना छूट रहा हो आपको ट्रेड जो है नाइन या फिर नाइन से शुरू करनी है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा व्हाट्सएप में आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा बाकी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तक के लिए धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा